स्टार्ट करते हैं, वो तीन स्टेप कौन से हैं जो हम उसके करने के बाद आप पुशअप मतलब तहलका मचा देंगे पुशअप। आप तो दोस्तों क्या आप भी पुशअप की वजह से परेशान हो? आपसे भी पुशअप नहीं लगता? बहुत सारे बच्चों को आप देखते होंगे कि एक बार में 50-60-70 पुशअप मारते होंगे, तो आप सोचते हो यार हमसे पुशअप तो लग ही नहीं रहा, तो हम क्या करें? तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम आपको बताएंगे तीन स्टेप, ऐसे स्टेप जो आप उसको फॉलो करोगे तो आप आने वाले टाइम में जो इस तीन स्टेप को फॉलो करोगे उसके बाद आप गारंटी के साथ मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपसे 50-60 से ज्यादा पुशअप आप एक साथ एक बार में मार सकते हो। तो टेंशन लेने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल मेरे जो तीन स्टेप है उस पर फोकस करिए 100% गारंटी के साथ है कि वो स्टेप आप फॉलो करिए। गारंटी के साथ आप 4-5 दिनों में आप उस स्टेप को फॉलो करने के बाद एक बार में 50-60 से ज्यादा पुशअप मार सकते हो। क्योंकि पुशअप ना लगने की वजह से बच्चे परेशान होते हैं कि यार मेरे से पुशअप नहीं लग रहा है, आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। आप दूसरों को देखते हो कि यार वो एक बार में 20-25-50 पुशअप मार रहा है, आप पुशअप ट्राई करते हो तो आपसे नहीं होता है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप पुशअप आप बिल्कुल करेंगे, मैं आप तीन स्टेप बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल अंकित फिटनेस 07 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम कोई भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो आप बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वो तीन स्टेप कौन से हैं जो हम उसके करने के बाद आप पुशअप मतलब तहलका मचा देंगे पुशअप। आप इतना मतलब फास्ट पुशअप करेंगे ना कि आप लोग देखते रह जाएंगे आपको कि आप एक बार में कितना 50-60 पुशअप मार रहा है। तो सिर्फ आप वो तीन स्टेप फॉलो कीजिए, 100% श्योर के साथ कहता हूँ कि आपको आपसे पुशअप लगने लगेगा 5-10 दिनों में। आप गारंटी के साथ पुशअप में आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी। तो चलिए वो कौन सी तीन स्टेप है हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं वो तीन स्टेप कौन सा है। तो पहला आपको जो स्टेप है बहुत ध्यान से फोकस के साथ देखिएगा। पहला स्टेप आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपको ऐसे ऐसे बैठना है, ऐसे आप बैठ जाइए, ठीक है, ऐसे नॉर्मल बैठ जाइए, कुछ नहीं करना। पैर ऐसे आप फोल्ड कर लीजिएगा और हाथ को ऐसे आप आगे करके, ठीक है, और नॉर्मल तरीके से सिर्फ आप ऐसे डाउन करिए। ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप आपको सिर्फ ये करना है पुशअप। आपको आप दूसरों को मत देखिए कि दूसरे बंदे क्या कर रहे हैं, आपको देख के हंस रहे हैं क्या कर रहे हैं, आप उस पर फोकस मत करिए। आप सिर्फ अपना काम कीजिए, क्योंकि आज वो ट्राई करेंगे तो आने वाले टाइम में आप भी उनकी तरह पुशअप बेहतरीन कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले ऐसे आप अपने शरीर को फोल्ड करके और नॉर्मल पहले ऐसे अप और ऐसे डाउन करना है, ये वाला चीज। तो ये वाला पहला स्टेप है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब सेकंड स्टेप, आपको कुछ नहीं करना, इसमें ही थोड़ा सा जो ये पैर आपने फोल्ड किया ना, थोड़ा सा इसको खोल देना है, ऐसे थोड़ा सा पीछे खोल दीजिए, ठीक है, ऐसे टाइप के हो जाइए और अपने हाथों को थोड़ा खोल दीजिए, ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद फिर ऐसे करिए नॉर्मल अप और डाउन, घुटने के सहारे पे आपके बॉडी पूरा अप डाउन चली जाएगी, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आराम से नीचे जाना है और आराम से ऊपर जाना है, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अब जो लास्ट स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट वही है, वही मेन तरीका से पुशअप हो जाता है, वही उसी चीज को लोग बेहतरीन तरीके से करते हैं और लोग उस चीज को देख के कहते हैं कितना अच्छा पुशअप मार रहा है। तो कुछ नहीं करना, आप उसको क्या करना है, उसमें थर्ड स्टेप जो है आपका जो लास्ट स्टेप है, और बहुत ध्यान से देखिएगा। आप जैसे देखिए फर्स्ट स्टेप आपका ये वाला हो गया, सेकंड स्टेप थोड़ा सा आगे चलेंगे और थर्ड स्टेप में पूरा आगे जाके और जो अपने पैर है ना, पैर को उठा देना है, ठीक है, ऐसे उठा देना, ठीक, और उसके बाद आराम से ऐसे इंच जाना है, ऐसे करना है ये वाला। तो देखिए कितना आसानी तरीके से तीनों स्टेप हो गया और आराम से आप ऐसे ही तीनों स्टेप करेंगे, ठीक है। तो ये आपका तीन स्टेप है, पहला नॉर्मल, फिर सेकंड थोड़ा सा और आगे करना है उस चीज को, थर्ड उसके बाद पूरा फ्लैट हो जाना है। तो ये जो तीनों स्टेप है आप आराम से करिए, 3-4 दिन करेंगे ना तो आपको इसमें इंप्रूवमेंट नजर आएगा और आप बोलेंगे कि क्या मस्त तरीका है बताने का। तो आप लोग इस चीज को ट्राई करिए और मेरी वीडियोस को आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आप जरूर उसको वॉच कीजिएगा। थैंक यू।